दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 18 नवंबर 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों देखो, मेरा नाम मंगल है, मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मुझे आप देख ही रहे हैं फ़ोटो में, उम्र दराज आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने होते हैं और वे मुझसे हूबहू प्रत्यक्ष होकर अपनी बातें बताते हैं। अब ये आपको देखना है कि मेरे कथन का आप क्या अर्थ लेते हैं, कितना मानते हैं, कितना इसकी वैज्ञानिकता को परखते हैं, ये आप पर है। मैं अपने चैनल पर, मिशन ग्रेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, देववाणी में कुछ बोलता हूँ और ये पक्का विश्वास करके कहता हूँ कि ऐसा ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे वो भगवान बताते हैं। अब आज की देववाणी सुनिए, ये एक भविष्यवाणी है और ये जो मेरे को देववाणी होती है, ये ऐसा नहीं कि देववाणी हुई और मैंने बता ली। देववाणी कैसे कैसे होती है ये कभी अलग से बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि देववाणी हुई और मैंने मान लिया, ये मेरे जीवन के, मेरे जीवन में जो तथ्य जुटाए गए हैं जीवन के बारे में, उनके जो पैरामीटर्स पर ये ऐसा ही निकलता है, तब जाकर मैं बोलता हूँ। आज देववाणी भगवान ने मुझे क्या बताया कि मंगल सुनो, भारत में 2014 से 2024 के बीच में, 2014 से 2024 के बीच में जो जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीबीआई चीफ, ईडी चीफ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और यहाँ तक एमपी भी जो बने हैं, संसद सदस्य भी जो बने हैं, उनमें से ज़्यादातर किसी हादसे में मारे जाएंगे। बस क्या हादसे में मारे जाएंगे, परमात्मा बताता है कि भारत में एक ऐसा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अंधड़ आएगा, तूफान आएगा, इसमें जिसमें ज़्यादातर ये भारत के सभी 2014 से 2024 तक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सीबीआई, ईडी इत्यादि के इंचार्ज एवं एमपी, संसद सदस्य भी मारे जाएंगे। मैंने बड़ा अचंभ किया कि भगवान ये क्या, तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा कि मंगल ऐसा ही होगा, तुम देखते जाइए। ये सारे ज़्यादातर मारे ही जाएंगे, ज़्यादातर का मतलब लगभग 50% तो तय है। इस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सीबीआई, ईडी इत्यादि के चीफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनमें से ज़्यादातर मारे जाएंगे, ये तय है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसा इस बीमार देश के साथ जो हज़ारों साल से बीमार चल रहा है और जो हज़ारों साल से इतना, जिसकी पब्लिक इतनी दयनीय हालत में रहती है, इन्होंने जो यहाँ किया, जो यहाँ दिखाया, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने एक भयानक, अति भयानक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अंदर चलेगा, तूफान चलेगा, चक्रवात चलेगा, तांडव होगा, जिसमें ये ज़्यादातर लोग मारे जाएंगे। और जो कुछ ज़्यादा, वह क्या है कि ये सभी भागने की कोशिश करेंगे और बहुत कम लोग इनमें से
भागने में सफल होंगे अपनी जान बचाकर। जो कोई किस्मत वाले होंगे, जिनके अच्छे कर्म होंगे, वे भागने में सफल होंगे, वरना ज़्यादातर मारे जाएंगे। और मारे जाने के बाद बहुत से पकड़ लिए जाएंगे और जिनको जेलों में डाल दिया जाएगा। बहुत कम होंगे जो भागने में सफल होंगे जान बचाने के। और उसके बाद और कोई जो ज़्यादातर भाग्यशाली हुआ, वह बिलों में ऐसे घुस जाएगा भारत के बिलों में कि वह निकलेगा ही नहीं कि मैं भूतपूर्व कौन हूँ, भूतपूर्व MP हूँ या भूतपूर्व CGI हूँ या भूतपूर्व राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, कौन हूँ। ऐसा भयानक अंदर तूफान चक्रवात, ऐसा तांडव, ऐसा हरिकेन चलने वाला है, चलेगा। उसके बाद तो ऐसी हालत होगी कि भारत में लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति CGI बनने के लिए ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेंगे, कहेंगे कि हमें बनना ही नहीं। MP के लिए भी लोग ढूंढते रहेंगे कि हमको आपको MP में खड़ा कर रहे हैं, और लोग हाथ खड़ा कर देंगे भाई हमें नहीं बनना, क्योंकि भारत में इतना अन्याय अत्याचार इन लोगों ने किया है, सबने मिल मिल कर किया है और अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। इसलिए भगवान ने कहा कि अब भारत में मंगल ऐसा ही अंदर चलेगा। ये सारे 2014 से 2024 के बीच के सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CGI, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज और ये ED, CBI के चीफ एवं इवन MP लोगों में से भी ज़्यादातर लोग मारे जाएंगे, छांट छांट कर मारे जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे। और इनमें से जो ज़्यादा भाग्यशाली हुए, वे ये भागने की कोशिश तो सभी करेंगे, ज़्यादा जो कोई भाग्यशाली हुआ वही भागने में सफल होंगे, और वरना बहुतों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया जाएगा। वे भी भाग्यशाली होंगे कि मारे तो नहीं जाएंगे लेकिन जेलों में पकड़ पकड़ डाल दिए जाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो इस तरह से छिप जाएंगे कि जो बाहर लाइमलाइट में आएंगे ही नहीं। कोई बाबा जी बनकर अपना जीवन गुजारेगा, कोई कहीं इस तरह से ये नहीं बताएंगे कि हम भूतपूर्व MP हैं, भूतपूर्व CGI हैं या भूतपूर्व ED, CBI चीफ हैं या हम भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। ऐसा भयानक दौर भारत में चलने वाला है। मैंने चंबकीय भगवान बहुत। और सुनो, ये जो इन लोगों ने जो देश के ठेकेदार बन गए हैं और जो अपना मुंह धोना नहीं जानते, ये लोग, मैं साफ साफ कह रहा हूँ अपने उससे, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और इसका क्या अर्थ है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, रिपरकेशंस हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन भगवान जब मुझे मजबूर करता है कि मंगल ऐसा ही बोलो, तो मैं बोलता हूँ। मुझे क्या दिक्कत है, जब भगवान ही बोलता है तो, मुझे ये कहने के लिए बोलता है तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा ही होगा। और क्या है कि इस सारे विप्लव से बचने का एक ही तरीका है कि भारत में अंतर जातीय एवं अंतर धार्मिक प्रेम विवाह किए जाएं। भारत में जो वैमनस्यता, कटुता, जो घृणा, जो भयानकता फैली हुई है, उसका कारण यह है, कारण है भारत का जातिवादी सिस्टम एवं धार्मिक कटुता। यह भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और बड़े बड़े लोग ही नहीं, इन लोगों की बड़ी बड़ी जातियाँ जिनका ऐसे नाश हो जाएगा पता नहीं चलेगा कि ये जातियाँ क्या भारत में थी। और भारत में जाति व्यवस्था तो ऐसे मिट जाने की है जैसे कभी सत्य प्रथा थी कि हाँ भाई पहले सत्य प्रथा ऐसी होती थी, ऐसे जाति प्रथा को लोग इतिहास की चीज़ें में पढ़ेंगे, भाई जाति प्रथा क्या होती थी, ऐसा होता था, ये होती थी। देखो दोस्तों, और उसने कहा है कि और तो ऐसा है, जाति प्रथा के समर्थक, प्रोपोगेटर, एडवोकेट, जो भी जाति प्रथा के और धार्मिक कट्टरता के भारत में पोषक हैं, समर्थक रहे हैं, फंडर रहे हैं, इस सारे के सारों के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लग जाना है कि वे आगे जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इन लोगों ने उद्यमी इतना किया है, इन लोगों ने अपनी घमंड समझ लीजिए या अपनी ओ में आकर के ऐसा भारत की प्रजा के साथ किया है
जो भारत की प्रजा भूखी प्यासी सड़कों पर कैसे घूमती है और उन्होंने इन्होंने उद्यम किए हैं क्या इस पीरियड में या 1947 के बाद में, वह बड़ी भयानक है और वह भगवान उसकी वजह से बहुत नाराज़ हैं और भारत के ज़्यादातर ठेकेदारों को, शासकों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी जातियों को अपने अस्तित्व का खतरा पैदा होने वाला है और वह खतरा तभी कम हो सकता है, उसमें से लोग तभी बच सकते हैं जबकि लोग जातिवाद को मिटाने की कोशिश करें एवं धार्मिक कट्टरता को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दें। इसके लिए ऐसा सोच करके और बहुत कुछ हमारे अध्ययन, मनन, चिंतन और पता नहीं हमारी क्या क्या तपस्या ये कहती है कि भारत में इस समय अंतरजातीय में अंतरधार्मिक प्रेम विवाह होने चाहिए। इसलिए मिशन ग्रेट इंडिया ने यह निश्चय किया है कि अंतरजातीय अंतरधार्मिक प्रेम विवाह सम्मेलन जो मिशन ग्रेट इंडिया आयोजित प्रथम वह दिल्ली में होगा, इसमें विवाह योग्य जो बच्चे हैं कम उम्र के, कम से कम 20 साल जिनकी उम्र हो वे, और विधवा, विधुर और हैंडीकैप्ड गरीब बच्चे एवं तलाकशुदा जो हैं वे सब भाग ले सकते हैं। और इस सब का उद्देश्य भारत को एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें ये पता ही नहीं चले कि कौन आदमी किस कास्ट का है। कास्ट का लोग नाम ही नहीं लें, ऐसे नहीं लें जैसे कि अब इस समय लोग सत्य प्रथा का नाम नहीं लेते कि अरे उसके बारे में कोई बात करना है, कोई ये भी काम करने का था, ये तो अति भयानक था। ऐसे ही भारत में हालातें हो जाने वाली हैं। इसलिए दोस्तों विवाह योग्य बच्चे बच्चियां और विधवा, विधुर, डाइवोर्सी एवं गरीब बच्चे एवं हैंडीकैप्ड जो विवाह योग्य हों सब इस मिशन ग्रेट इंडिया के प्रोग्राम में हिस्सा लें जो प्रथम सम्मेलन दिल्ली में होगा। उसके लिए अपने रिज्यूम, अपना पूर्ण विवरण देते हुए हम यहाँ 3 नंबर दे रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर अपना सहमति भेजें, अपना सहयोग, अपने सुझाव ये भेजें। हमारे नंबर हैं 9950685151, ये हमारे अलवर के नंबर हैं। दूसरे नंबर हैं 9419333229, ये जम्मू के नंबर हैं। तीसरे नंबर हैं 9765310442, ये सांगली महाराष्ट्र के नंबर हैं। सैकड़ों लोग हमारे मिशन इंडिया से जुड़े हुए हैं। अब लोगों के पास बचने का एक ही रास्ता है, लोगों के पास बचने का और अपने बच्चों को बचाने का, अपने देश को बचाने का एक ही रास्ता है कि वे मिशन ग्रेट इंडिया के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसके लिए मिशन ग्रेट इंडिया की वीडियो देखते रहें, मिशन ग्रेट इंडिया के प्रोग्रामों में भाग लेते रहें, जैसे यही विवाह सम्मेलन हो रहा है ये और प्रोग्राम होते हैं, और मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के रास्ते पर चलें। ग्रेट इंडिया का डॉक्यूमेंट आप किसी भी मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर से उसकी PDF ले सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी उस वो पंपलेट के रूप में ले सकते हैं। और ये जो है अभी हमारी कोई, हम छोटे से आदमी सड़क साफ से समझ लो अननोन है, लोग ज़्यादा हमको नहीं जानते, लेकिन भारत के जन जन को ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा कि मिशन ग्रेट इंडिया बोलती है। देश के इन कर्णधारों ने, इन लूटर्स ने, इन लोगों ने अन्याय अत्याचार किए हैं क्या? ऐसा तो जंगल में भी नहीं होता। लोगों के साथ, प्रजा के साथ ऐसे अन्याय अत्याचार किए हैं कि न तो इन्होंने प्रजा को मारा न जिंदा छोड़ा। इसलिए ऐसा ऐसा भयानक होगा, लोग नेतागिरी, लोग अफसरी और लोग अपने ठेकेदारी और बड़े बड़े काम करना या बड़े बड़े पैसे संपत्ति रखना या व्यापार करना सब भूल जाने वाले हैं कि हम ऐसा नहीं करते, और इनके समों के पिछवाड़े लाल नहीं होने वाले, इनकी बहुत पिटाई होगी, लुटाई होगी। हमारा प्रयास है कि किसी का भी जीवन न लिया जाए, क्योंकि जीवन लेने का अधिकार उसी को होता है जो जीवन दे सकता है। लेकिन हमें तो ये बताया गया, हमें बड़ा अंधड़ भयानक था, बड़ा टाइकून, बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कि भारत के होश वास उड़ जाएंगे, भारत के लोगों के होश वास उड़ जाने वाले हैं। बड़ा ही भयानक था हमें आते हुए दिखाई दे रही है, और जो ईश्वर हमें खुद प्रत्यक्ष होकर सामने बताता है कि ऐसा होगा। दोस्तों इसी तरह से अपना जीवन निर्धारण करिए और कुछ काम ऐसा अवश्य करते रहिए जैसे मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा आयोजित
प्रार्थना सभा सुबह 5 बजे होते हैं उसमें हिस्सा लेना और अन्य प्रोग्राम में हिस्सा लेना, इसके डॉक्यूमेंट को देखना, उसके अनुसार चलना और दूसरे और भी काम अच्छे अच्छे करना, उसके वीडियो देखना, जो उन वीडियो में बात बताई गई हैं उनको फॉलो करना, होगा तो ऐसा ही। आप कहोगे भाई ये अपनी मिशन के लिए अपने उसके लिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा है, बिल्कुल ऐसा तो है ही, इसमें तो क्या करना। लेकिन वह प्रोग्राम, वह मिशन को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम, सबको बचाने का, सबको अच्छा जीवन देने का प्रोग्राम है, वह एक डिवाइन प्रोग्राम है, वैसा प्रोग्राम है जो भगवान ने डिजाइन किया है और ये आज नहीं तो कल सिद्ध होने वाला है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको ये ऐसा लगे कि भाई ये कल को हम मान लेते तो अच्छे रहते और अब देखो कितना बुरा हो गया। जातिवाद को तुरंत मिटा दो, धार्मिक कट्टरता को मिटा दो, यही देश को बचने बचाने का रास्ता है, यही देश के आगे बढ़ने का रास्ता है, इसी से देश महान बनेगा, उसके बाद सारे रास्ते अपने आप आगे से आगे खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।